हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो नेशनल डेज के हॉलीडे आए थे ओमान में, तो उस टाइम हम लोग गए थे जू, जो कि बरका से आगे है। मतलब मस्कट से आप जाओगे तो बरका आता है, बरका से फिर थोड़ा सा ही आगे आता है अल नोमान जू नाम से। तो उसके लिए हमें यहाँ बहुत सारे ये विलेज देखने को मिलते हैं इस बे में, और फिर आ जाएगा जू। तो जो आप देख रहे हैं ये वनट्री जो है, ये इसके अंदर पूरा जू है। पहले ये किसी का रिजॉर्ट या फार्म हाउस वगैरह हुआ करता था, तो कुछ एनिमल्स रख लिए। तो ये अभी जू है, और नेशनल डेज के हॉलीडे हुए हैं इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा ही रस हो रहा है। जहाँ भी जाओ, मार्केट हो चाहे कुछ भी, क्योंकि यही ऑप्शन है लोगों के पास घूमने के लिए इधर। तो यहाँ देखिए, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है, बस पार्क करेंगे कहीं जगह ढूंढ के अपनी कार को, फिर चलते हैं। यहाँ देखिए, लाइन लगी हुई है एंट्री करने के लिए अल नोमान जू में, और ये रिजॉर्ट है तो यहाँ लोग आते हैं और रुकते भी हैं। तो बस अभी हम अंदर चलेंगे, और टिकट भी होती है जू की, तो इस पे प्राइस मेंशन किए गए हैं। तो अभी हम यहाँ से एंट्रेंस करेंगे, और टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद अंदर चलते हैं। और एनिमल्स को खिलाने के लिए फूड वगैरह भी यहीं पे अवेलेबल होता है। और एंट्री करते ही आपको दोनों साइड से भी देखने को मिलेगा। तो हम चलेंगे राइट हैंड की साइड में, क्योंकि इसी साइड से ही शुरू हो जाता है एनिमल्स का जो पार्ट है वो। और ये यहाँ पे एक टॉय का पहले ये शॉप था, तो अभी बंद कर रखा है, कोविड आया तब से, अब ओपन हुआ है जो। और ये हम आ गए हैं सांपों के एरिया में। तो इधर आपको ये स्नैक देखने को मिलेंगे, रेड। पहले बहुत सारे फिश एक्वेरियम भी थे, बट अभी पता नहीं फिश वगैरह नहीं रहे होंगे शायद, इसलिए अभी सब खाली पड़े हुए थे। और ये देखिए, इगुआना और रेड वाइट कलर वाले। तो यहाँ एनिमल्स बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हॉट रहता है इधर। तो यहाँ बहुत ही मिनिमम आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, वही होंगे जो सरवाइव कर पाएंगे ऐसे वेदर में। तो और उससे निकल आए हम, और अब चल दिए आगे की ओर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है यहाँ, तो इसका भी टिकट अलग से होता है, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और अभी यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, तो हम चलते हैं लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शन पर ऑस्ट्रिच देखने फर्स्ट। तो ये देखिए, ये ऑस्ट्रिच यहाँ यही तीनों मिलते हैं। मैं 4-5 टाइम्स आ चुकी हूँ इस जू में, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता तो लोग लौट फिर के वहीं जाते हैं बच्चों को एंजॉय कराने। तो यहाँ ये 3 ही हैं अभी ऑस्ट्रिच। अब बहुत ही ज़्यादा देखिए, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं इसका फेस, इसकी आइज। तो आप भी इंजॉय करते रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो को, और देखिए इस जू में कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। निशान जाओ, आप देख लो, लेकिन वो मत करना फिंगर। और यहाँ गांव वगैरह से भी आप किसी से जाओगे होते हुए रास्ते में भी, तो इस टाइप से आपको ये गोट सीप देखने को मिलेंगे। ये यहाँ के देसी बकरी बकरे और क्या भेड़ जो भी हैं, ये सब यहाँ के देसी हैं, क्योंकि यहाँ ये अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही ये देखने को मिल जाते हैं। और डक, ये तो क्वैक क्वैक करती हुई इंडिया में भी बहुत सारी देखी हैं हमने। अभी कुछ एनिमल्स ऐसे आएंगे जो कि यहाँ मैंने देखे फर्स्ट टाइम, मैंने इंडिया में नहीं देखे, क्योंकि मैंने इंडिया में जो इतना क्लोज नहीं देखा, बहुत छोटा है ना, इसमें अच्छे से देख पाते हैं। तो चलिए, एमू को देख लिया, ऑस्ट्रिच को भी देख लिया, अब चलते हैं आगे। टर्टल, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वाटर में। और ये देखिए, आई थिंक इसको गिद्ध बोलते हैं, वल्चर मेरी समझ से तो यही है वो, जो
जो पहले इंडिया में हुआ करता था बट अब नहीं होता है। इसके विंग्स, ओ माय गॉड, जब ये विंग्स से ऐसे कर रहा था बहुत ज़्यादा बिग थे इसके विंग्स। और अब हम देखेंगे ये ईगल, छोटा सा ईगल है इसमें बंद। और इधर भी है ये वाला दूसरा वैरायटी। और इधर ये क्रोकोडाइल अपना सो रहा है मस्त आराम से, और एक पानी के अंदर है। तो इनका मन होता है बाहर आ जाते हैं, अपना मन होता है अंदर चले जाते हैं इसी में। और ये मुझे तो ये छोटे छोटे बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे थे, मतलब कैट जैसे ही लग रहे थे। इनकी जो टेल है वो थोड़ी ज़्यादा बिग है कैट से, बट इनका फेस, बट ये कैट नहीं है। और ये वाले एनिमल्स भी, और जू में ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है तो ज़्यादा देर रुकने का मन भी नहीं करता है, इसलिए जल्दी जल्दी देख देख के हम लोग चलते रहते हैं। आप इंजॉय करते रहिए बस हमारे साथ में, कौन कौन से एनिमल्स हैं। जब मैंने इस लाइन को देखा तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि शायद इतनी सारी पब्लिक को देख के ये डर रहा है, इसलिए इसका मन नहीं कर रहा बाहर आने का। क्योंकि इनको वो जो फूड है इनका वो डाला गया था उसी टाइम पे, तो सब अपना अपना फूड खाने के लिए बाहर आ रहे थे, बट ये नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे के जो दो पैर हैं ना वो ख़राब हो गए, शायद ये अच्छे से यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। हॉट सीज़न होता है बहुत ज़्यादा, तो शायद इसलिए हो सकता है, या फिर इसे कोई डिसीज वगैरह होगी तो इसके पीछे के पैर बेकार हैं, इसलिए अपने आप को बहुत ही मुश्किल से ये बाहर निकाल के ला पाता है। देखो अमिलिये बंगाली टाइगर से, हाँ ये सबसे ज़्यादा मस्त खाए पिए हो रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। ये तो अपना खाने में बिजी हो रहा है, और दूसरा वाला वो अंदर बंद कर रखा है, तो वो उधर राउंड लगा रहा है अपने माउथ में लेके अपना फूड, और राउंड लगाए जा रहा है बार बार, उसको बोल निकलना है बाहर। तो शायद उसका फिर वो डोर ओपन कर दिया और वो वहाँ से बाहर आ जाता है निकल के, अभी आने वाला है इस वीडियो में वो भी। और इसको देखो ये कितने अच्छे से अपना फूड खाने लग रहा है। सोचा इसकी भी एक वीडियो बना के रख लेते हैं, इंडिया जाएंगे तो ये सब चीज़ें भी मिस करेंगे, क्योंकि कई बार जू देखा बट फोटो तो हैं वीडियो नहीं है, वीडियो में देख लिया करेंगे और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को देख नहीं पाती हूँ अपनी आँखों से, ये ऐसे जो खाते हैं ये सब, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया था। और ये आ गया अपना खा पी के अच्छे से, और अब यहाँ थोड़ा रेस्ट करेगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, अभी हाँ बटर पीने जा रहे हैं जनाब। अच्छा लग रहा है ना इसके स्ट्रिप्स ब्लैक ब्लैक अच्छे लग रहे हैं देखने में, ऐसा सिल्किन सिल्किन जैसा फील हो रहा था। बहुत दूर हैं ये मुझसे, मैं जूम करके वीडियो बना रही हूँ, देखो इतना दूर हैं। और ये आई एक घायल शेरनी, भाई ये पब्लिक को देख के इतना गुस्सा कर रही थी, अंदर ही इसमें राउंड राउंड लगाई जा रही है बाहर नहीं आ रही। और ये मस्त जंगल का राजा आराम से सोने लग रहे हैं यहाँ पे, देखो किंग ऑफ द फॉरेस्ट है ना। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था देखने में, ये सो रहा है लॉयन, तो पता नहीं, देखो आईज ओपन करे इसने, फिर से बंद कर लिए। तो मैं इसको बहुत अच्छे से देख रही थी, बहुत दूर है ये मेरे से, जूम करके मैंने इसको लिया है इतना क्लोज, तो देखो वहाँ है ये मुझसे दूर इतना। वैसे तो ये मुझे खा जाता अगर पास में होता तो। और अब हम चल दिए आगे की ओर।
और भेड़ बकरी ही ज़्यादा मिलती हैं इसमें देखने के लिए, मतलब सीप और गवट यही बहुत ज़्यादा डाल रखे हैं क्योंकि ये अच्छे से रह लेते हैं। और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं इस जू वाले वीडियो के दो पार्ट में। अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो सब, ट्रेडिशनल स्टाइल कैसे, यहाँ कौन से वाला शादी कैसे होता है वो सब यहाँ पर एक बनाया हुआ है पूरा सेट, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखना मत भूलिएगा मेरा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।